हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजुम नीटिंग। आज आप लोगों के लिए मैं टू कलर में पैटर्न लेकर आई हूँ। ये हमारा पैटर्न 6-6 के मल्टीपल के फंदों में प्लस टू करके ये हमारा पैटर्न बनकर आता है। ये देखिए, ये हमारा राइट साइड है और ये हमारा बैक साइड से है। ये देखिए, यहाँ पर हमने नीचे आप यहाँ पर बॉर्डर बना लें, यहाँ से ये पैटर्न बनाना स्टार्ट करें। यहाँ हमने नीचे टू रो वैसे सीधी सिलाइयाँ बुन ली हैं। देखिए, ये हमारा पैटर्न बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद। बनाने में बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। इसे आप लेडीज़ जैकेट, लेडीज़ कार्डिगन, बेबी स्वेटर में डालेंगे तो बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगेगा। बेबी कैप में डालने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए, यहाँ पे मैंने ये इसमें डाला है, ये वाला कैप में। देखिए बनकर कितना प्यारा आया है। ये देखिए, यही पैटर्न है। यह हमारा 4 रो एक एक कलर से बुना जाएगा। अब यहाँ पर हम अपना ये वाइट वाला कलर ऐड करेंगे। पहले जैसे हमने यहाँ नीचे से स्टार्ट किया था बनाना, यहाँ पर हम वाइट वाली कलर से पूरी रो हम फर्स्ट रो अपनी सीधी बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये वाली सीधी फर्स्ट रो हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने वाइट कलर से फर्स्ट रो बुनकर कंप्लीट किया। अब हम बैक साइड से उल्टी रो अपनी सेकेंड रो पूरी सिलाई उल्टी बुनकर सेकेंड रो कंप्लीट करेंगे। पूरा हमें उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमने वाइट कलर से 2 कलर बुनकर कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर हम अपना दूसरा कलर ऐड करेंगे। यहाँ पर हम मैरून वाला कलर ऐड करेंगे। इस वाले कलर से हम यहाँ जैसे नीचे बुना था वैसे यहाँ से हम स्टार्ट करके आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 6 फंदे मैरून कलर से स्टिच करने हैं। 2, 3, 4, 5, 6। अब हमने ये वाला स्लिप किया था जो 2 फंदे हमारे बीच में है, ये अब हम इसे 2 फंदे स्लिप कर लेंगे। अब हमें फिर 6 फंदे स्टिच करने हैं। 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह से हमारी पूरी रो बुनकर कंप्लीट होगी। जैसे हमने यहाँ बुना है 6 फंदे, फिर 2 फंदे स्लिप करेंगे। यहाँ पर हमने मैरून वाले कलर से ये अपना पैटर्न बुन लिया है। अब यहाँ पे हम 4th रो मैरून वाले कलर से ही बुनेंगे। यहाँ पर हम पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर जो हमने बुना है उसे हम बैक साइड से उल्टा बुन लेंगे। जो हमने स्लिप किया था उधर से उसे हमें स्लिप ही करना है। इसी तरह से 4th रो हमारी पूरी बनकर कंप्लीट होगी। यहाँ पे हमने 4th रो बनाकर कंप्लीट कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें 3rd रो बैक साइड से मैरून कलर से हमें जो हमने बुना है उसे हमें सीधा ही बुनकर कंप्लीट करना है। जो हमने सीधा बुना है उसे हम सीधा बुन लेंगे, धागा आगे करेंगे और ये 2 जो हमने स्लिप किया है इसे स्लिप ही करेंगे। जो हमने बुना है उसे हम सीधा बुनेंगे बैक साइड से, धागा आगे करेंगे, ये दोनों स्लिप कर लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, इसे सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, ये दोनों स्लिप कर लेंगे। यहाँ पर हम अपनी 5th रो बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर भी राइट साइड से हम मैरून कलर से सीधा बुनेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर इसे सीधा बुन लेंगे। 6 फंदे हम सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। फिर जो हमने स्लिप किया था इसे इस रो में भी स्लिप ही करना है। ये हमारा मैरून वाले कलर से 3rd रो है। ये हम 6 फंदे
सीधा ही बुनेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बनाने में बहुत ही इजी है, लेकिन जो हमने 6 फंदे बुनने हैं, इस फंदे को हम दोनों साइड से इसे सीधा सीधा ही बुनना है। तो ये हमारा राइट साइड से उल्टा बनकर आएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स ये दो फंदे हम स्लिप कर लेंगे, फिर हम सीधे ही बुनेंगे। सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे, फिर ये दो फंदे स्लिप करेंगे, फिर हम इसे सीधा बुनेंगे। अब फिर हम हमारा मैरून वाला ये फोर्थ रो है, फोर्थ रो में बैक साइड से इसे हमें पूरी रो उल्टी बुननी है, सीधी बुनकर कंप्लीट करनी है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ हम जो हमने बुना है उसे सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर दो फंदे स्लिप करेंगे, फिर इसे सीधा ही बुनेंगे जो हमने बुना है। इसी तरह हमारी रो कंप्लीट होगी। अब यहाँ पर हमारा ये फोर्थ रो मैरून कलर से कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरा वाला पैटर्न जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ स्टार्टिंग में हमारा 2 फंदे ये वाइट वाले कलर से बुने जाएंगे और 2 फंदे हम स्लिप करेंगे। पहले हमें 2 रो इससे बुन लेना है वाइट वाले कलर से, फिर जब हम अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे तो इसी तरह बनाएंगे फ्रेंड्स, जैसे हमने ये वाला बीच वाला बनाया है। 2 फंदे बुनेंगे, बीच में 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर 6 फंदे, ये वाला जो हमने बुना 6 फंदे बुनेंगे, फिर 2 फंदे स्लिप करेंगे। इसी तरह से हमारा पैटर्न बनता जाएगा पूरा। ये देखिए हमारा पैटर्न बनकर कितना प्यारा लग रहा है। इसे आप बच्चों के स्वेटर में बनाएंगे तो बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगेगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें।